I am going to discuss about composition of an atoms. Element का symbol hydrogen यहाँ पे 1 1, ये atomic number. यहाँ इसे जो top पे रहता है left side उसे mass number बोलते हैं, और जो bottom में left side रहेगा उसे atomic number बोलेंगे. ये hydrogen हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 1 एटॉमिक नंबर, एंड यहाँ मास नंबर भी 1 ही है. न्यूट्रॉन नंबर 0 है. प्रोटॉन नंबर जो एटॉमिक नंबर है उसे ही प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, 1 है, एंड इलेक्ट्रॉन 1 है. हीलियम, हीलियम यहाँ मास नंबर 2 एंड एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4. ये हीलियम का है, यहाँ हीलियम लिख देती हूँ बस. फिर एटॉमिक यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 2 हो जा रहा है एंड मास नंबर 4 हो जा रहा है. एंड न्यूट्रॉन्स नंबर यहाँ 2 है एंड प्रोटॉन नंबर 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है एंड 2 इलेक्ट्रॉन नंबर है. लिथियम, लिथियम यहाँ मास नंबर 7 एंड एटॉमिक नंबर 3 है, इसे Li लिथियम बोलते हैं. यहाँ पर 3 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 इसका मास नंबर है, लिथियम का मास नंबर. यहाँ न्यूट्रॉन्स नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 3, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स नंबर 4 हो जाएगा. एंड ये प्रोटॉन नंबर है 3 है, और ये इलेक्ट्रॉन 3 है. यहाँ बेरिलियम, बेरिलियम का मास नंबर 9 एंड एटॉमिक नंबर 4 है. बेरिलियम को बीई से डिनोट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर जिसका 4 है, मास नंबर 9 है एंड न्यूट्रॉन्स नंबर 5 है. प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है, एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है. बोरोन 11, बोरोन को 5, ठीक, इसे बोरोन को बी से डिनोट करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 11 है एंड इसका न्यूट्रॉन्स नंबर 6 है एंड प्रोटॉन नंबर 5 है एंड इलेक्ट्रॉन नंबर भी इसका 5 है. कार्बन मास नंबर 12 एंड कार्बन यहाँ मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मास नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन्स नंबर इसका 12 में से 6 माइनस किए तो 6 हो गया, तो ये न्यूट्रॉन्स नंबर है. एंड प्रोटॉन नंबर 6 है, प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं 6, और न्यूट्रॉन नंबर 6 है. यहाँ नाइट्रोजन का 14 मास नंबर और 7 एटॉमिक नंबर. नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है, न्यूट्रॉन्स नंबर 7 है एंड प्रोटॉन नंबर 7 हो जाएगा. 14 में से 7 गया, 7, तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर भी 7 ही है. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 एंड एटॉमिक नंबर 8 है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, इसको ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं एंड इसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है. न्यूट्रॉन्स नंबर आपका देखिए 8 है, 16 में से 8 गया, 8 बचा, एंड प्रोटॉन नंबर 8 एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर 8 हो जाएगा. फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मास नंबर तो 19 है एंड एटॉमिक नंबर 9 है, तो 9 इसका, इसको फ्लोरीन को एफ से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ये इसका एटम बॉटम में जो रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है एंड टॉप में जो रहता है लेफ्ट साइड वो मास नंबर रहता है. ये एटॉमिक नंबर हो गया और 19 जो हो गया वो मास नंबर हो गया. 19 में से 9 माइनस किए तो 10 बचा, ये न्यूट्रॉन्स नंबर निकला. एंड यहाँ पे 9 हो गया आपका प्रोटॉन नंबर एंड 9 हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर्स. नियोन हो गया, नियोन 20 मास नंबर एंड 10
एटॉमिक नंबर इसे Ne से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 10 होता है। मास नंबर इसका 20 होता है। इसमें 10 न्यूट्रॉन होते हैं एंड 10 प्रोटॉन होते हैं एंड 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थैंक यू।